यार स्वागत है आपका पार्ट टू में। तो कल जब मैं कर रहा था तो इसमें थोड़ा सा आलस आ रहा था मेरे को, तो आज ऐसा करते हैं सबसे पहले कॉमिक्स देखते हैं। तो ये है सीबीटी प्रकाशन की तरफ से आई हुई पंचतंत्र की कहानियाँ। अब ये भी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इसका पूरा नाम है न्यू दिल्ली। तो पहले बता देता हूँ कि यार मुझे नहीं लगता कि इसमें पंचतंत्र की सारी कहानियाँ होंगी, क्योंकि मैंने पंचतंत्र को अच्छे से पढ़ा है और इसमें जो कहानियाँ हैं वो मेन कहानियाँ हैं, सारी कहानियाँ नहीं हैं। और खुशबू अच्छी है इसकी, नई किताब की खुशबू दोस्तों। 16 नवंबर 2023 को मुझे प्राप्त हुई थी। इसमें दिखा देता हूँ भैया, इसका जो प्राइस है 250 है, 250 रुपये चार्ज किया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसका प्रिंट पेंडिंग क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है देखने में। अब वो दिखाते हैं जो मेरे से बचपन में खो गई थी। तो यार ये बुक है, ये मुझसे मेरे पास थी लेकिन बचपन में खो गई थी मेरे से, तो ये ख़रीदना मेरे को बहुत ज़रूरी लगे। बड़ी ही अच्छी कथा है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा। 90s के बच्चे को खूब ज्ञान मालूम होगा। उस टाइम के ऐड देखिए आप लोग, ये सारी किताएं, सिंहासन 32, ये विष्णु महिमा, शिव महिमा, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और भी न जाने क्या क्या। और यहाँ पे बिग बबूल का ऐड। तो ये जो लोग बिग बबूल को नहीं जानते हैं भैया, उनकी किस्मत ख़राब, लेकिन मैं हमेशा जानता था बिग बबूल के बारे में। देखो वहाँ ये चित्र कथा है छोटी सी, फुल 90s स्वैग। इसको तो यार पैक करके रखना पड़ेगा। अब आते हैं उस चीज़ पे जिस पे आपका सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो सबसे पहले आते हैं मार्वल डीसी कॉमिक्स की तरफ। उनमें सबसे पहली कॉमिक्स है अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो उसमें निकाल दिखाता हूँ कि ये चमक रहा होगा। इसको खोलते हैं थोड़ा सा। हालांकि थोड़ा इधर उधर हो गई है, थोड़ी सी मुड़ गई, इधर थोड़ा कर्वी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे खेलेंगे। इन्होंने यहाँ पे दिया गया है, जो उन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड विदाउट लव, और ये मार्वल का सिग्नेचर, और आई बिलीव ये आर्ट वर्क होगा, इन्होंने आर्ट वर्क बनाया है। स्पाइडरमैन से हमेशा मैं एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। यहाँ पे इस सीरीज़ की सारी किताबें यहाँ तक जो अब तक की छप चुकी हैं, आई बिलीव ये मिल जाए उसको। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पार्ट से, पार्ट टू है, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, और आई बिलीव पार्ट फाइव। मैंने सीधे पार्ट फाइव ही ले ली यार। आज कॉमिक्स वालों को सीरियसली इस तरीके से सीखना चाहिए, इन लोगों से अच्छे से क्रेडिट दें। सिक्स मंथ्स लेटर, अनोखा तरीका है इस तरह टाइम गुजारने का। वाह, पेजेस तो अच्छे हैं। स्पाइडरमैन क्या हो गया, अभी तो पढ़ के जानना पड़ेगा भैया कि स्पाइडरमैन क्या हुआ है। ये देखिए कुछ कवर आर्ट्स, कुछ ब्लैक कैट्स की कॉमिक, ये स्क्रल, बढ़िया। अब आगे जाते हैं और खोलते हैं सुपरमैन की कॉमिक्स। तो ये है सुपरमैन की कॉमिक्स, अरे हार्ड कवर में आई थी, काफ़ी सस्ते में मिल रही थी, मैंने ले लिया। न्यू 52 की ओरिजिन सीरीज है, हार्ड पाउंड के साथ यही प्रॉब्लम। ये देख लो भैया, वॉल्यूम 3 एट द एंड ऑफ पीस। यहाँ पे ये बुक जैकेट, यहाँ पे एक्शन कॉमिक्स का लिखा हुआ है, पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं, ओ
अच्छा आर्ट नहीं है यार, ये किसने बनाया है? क्या सुपरमैन डूम्सडे बन गया भाई साहब? इसमें तो अंकल लग रहा है सुपरमैन। ओ वाह, डीसी अपने कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी पे ज़्यादा ध्यान देता है, लाइव एक्शन पे कम। मार्वल अपने लाइव एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है, कॉमिक्स पे कम। लेकिन दोनों की अच्छी चीज़ें हैं। एक लाइव एक्शन में अच्छा है, एक कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवीज़ में अच्छा है, दोनों बराबर हैं। किसी को ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये खराब है वो खराब है। वैसे मार्वल को भी अपने कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवीज़ पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया इन लोग का कुछ धमाकेदार कॉमिक्स आए हुए, और डीसी को थोड़ा सा ये सुझाना चाहिए था। खैर, जो ट्रेजिडी हुई वो तो सबको मालूम ही है। ये सुपरमैन वेरिएंट कवर गैलरी तो देख लो भैया, यही है कवर गैलरी। है लूसीफर है क्या? तीन तीन सुपरमैन देख लो भैया, इसे बनाई जाती है। यार अगर स्केचेस ऐसे बनाए जाते हैं भाई साहब, हम लोग अब तो भैया विनोद कुमार और अनुपम सर तो कई गुना आ गए इन लोगों से आर्ट बनाने में। ये देखो इन लोगों ने कैसे बनाए। इसकी सीरीज की कॉमिक्स कर दूंगा मैं, स्टार्ट कर दूंगा। और इसमें से सारी सीरीज कॉमिक्स कर दूंगा मैं। यार ये सब कब आ गया? पीछे दिखाते हैं, पीछे कुछ है नहीं, बस पूरा ब्लैक है। और जैकेट कवर दिखा देते हैं इसका पीछे से गाइस, ये है लूसीफर का जैकेट कवर। इसलिए इसको मैंने प्लास्टिक केस में रख करके रखा था। और एक और दिखा देता हूँ, दो और, हालांकि वो खोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट आज ही आया है जस्टिस लीग, और ये मस्त लग रही है यार। और यहाँ पे रिव्यू का दिखाया गया है, वॉल्यूम 3 थ्रोन ऑफ अटलांटिस। लग रहा है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं भाई, ये सब इम्प्रूव तो कर रहे हैं। और ये है सुपरमैन की सीक्रेट ओरिजिन रिलैक्स एडिशन। भाई साहब ये हार्ड कॉपी है, और इसको देख के मुझे क्रिस्टोफर रीव की याद आ रही है। तो जिन जिन लोगों को क्रिस्टोफर रीव अगर इसको देख के आ रहा है यार, तो भाई साहब कमेंट कर देना यार, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अकेला ही हूँ जिसको ऐसे लग रहा है। क्लासिक लूथर यार काफ़ी बड़ी है। आई मीन ये देखो, ये है और ये कॉमिक्स है। ये देखो कितनी बड़ी है, बड़ी है। तो यार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो ये थी मेरी दीपावली की खरीदारी। तो आज मैंने उससे वीडियो बना के डाल दूँ, काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बना के डाले हुए। तो ये थी मेरी आज की अब तक की दीपावली खरीदारी। और खैर, इस चैनल पर और भी ज़्यादा अनबॉक्सिंग आने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि जब एक पैकेट में एक कॉमिक्स आती है तो यार उसको अनबॉक्सिंग करने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यार सारा जब 4-5 पैकेट इकट्ठे हो जाए तो एक साथ आपको दिखाऊँ। और तो इसके बाद आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारी और आपकी जर्नी यहीं तक थी आज के लिए। तो अगली बार मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय।